तो वेलकम बैक माय चैनल अनुगुप्ता ब्लॉग्स। मैं हूँ अनुगुप्ता और मैं खड़ी हूँ आज किचन में। तो आप समझ सकते हैं सारे कि आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। आज की वीडियो रिलेटेड है एक अच्छी रेसिपी से, और वो रेसिपी है इडली की रेसिपी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बट मैं जो इडलीज बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ विदाउट स्टैंड। मेरे पास इडली का स्टैंड नहीं है, तो वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर अच्छी लगती है शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ तो शेयर भी करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और स्कार्फ पहन रखा है तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही थी इसलिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। FTR का राइस इडली का बैटर है ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। मैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट इडली इसी तरीके से बनाती हूँ और इसी बैटर से बनाती हूँ। मैंने थोड़ा सा बैटर लेके और थोड़ा सा पानी लेके इसका ऐसा गोल बना लिया है, ना ये गाढ़ा है और ना ये पतला है, ठीक ठीक मीडियम लेवल का ये बैटर है। और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने पानी डाला है, और आप देख सकते हैं कि बीच में मैंने एक कटोरी भी ली है और इसमें भी पानी भर के, मतलब पानी के साथ एक कटोरी भी रखी है। और ये मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और इसी को हम स्टैंड के तौर पे यूज़ करेंगे। और ये इसके बीच में मैंने रख दिया एक स्टील की प्लेट ताकि ये एक स्टैंड बन जाए। और इसी तरीके से मैं इडली बनाऊँगी, और गैस ऑन कर दिए और मैंने इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए पानी। बनाने के लिए दोस्तों हम ये 3 कटोरियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं विदाउट स्टैंड इडलीज बनाऊँगी। तो इन कटोरियों में ये वाला जो इडली का जो बैटर है वो मैं डालूँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे कटोरियों को, ताकि इडली चिपके नहीं और वो आराम से बाहर निकल आए। तो मैं इनको ग्रीस कर देती हूँ। मैंने ऑयल से 3 कटोरियाँ ग्रीस कर ली हैं, और मैंने जो बैटर बनाया है वो 3 कटोरी के हिसाब से ही बनाया है। तो आप बैटर का अंदाज़ा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि आपको कितनी इडलियाँ बनानी है, तो अंदाज़ा लग जाता है। तो मैं इनमें बैटर डालूँगी। बैटर हमारा रेडी हो चुका है इडली का, अब मैं इनको कटोरियों में डाल देती हूँ। बैटर को मैंने कटोरियों में डाल दिया है, और इनको अब हम अच्छे से टैप कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि इनके जो बबल्स है वो निकल जाए और इडली अच्छे से बने। पानी गर्म हो चुका है, और ये मैंने प्लेट रखी हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ ठीक से। कढ़ाई में पानी है जैसे कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। अब मैं जो बैटर डाला है कटोरियों में वो मैं इसके अंदर रखूँगी। ये मैंने कटोरियाँ इस कढ़ाई में रख दिए हैं, अब मैं इनको ढक दूँगी कम से कम 15 मिनट तक। एटलीस्ट 15 मिनट से थोड़ा पहले ही बन जाएगी, लेकिन 15 मिनट तक ही मैंने रखूँगी गैस पे। और इनको भी मैं ढक देती हूँ। ये मैंने कढ़ाई ढक दी है प्रॉपर, कटोरियाँ अंदर हैं इडली वाली, और गैस को मैं थोड़ा सा मीडियम कर देती हूँ, और इसको हम 15 मिनट के लिए मीडियम पर रखेंगे। मैं थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि इडली कितनी बनी है, कितनी रह गई है। तो ये बीच में से तो बिल्कुल क्लीन निकल रही है जैसा कि आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको अभी मैं 5 मिनट के लिए और रख देती हूँ ताकि ये और अच्छे से बन जाए। ये इडली बन चुकी है, अब इनको मैं करूँगी अनमोल्ड। सुंदर इडली बनी है, अब इनको हम करते हैं अनमोल्ड। और ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। इनको अब मैं चक्कू की सहायता से निकालूंगी, पहले इनके किनारों को चक्कू से छुड़ाऊंगी ताकि इडली आराम से निकल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे ही आपको ही भी करना है, चक्कू की सहायता से इसके किनारों को छुड़ाना है, और फिर उल्टा करके हाथ पे करके ऐसे आप निकालेंगे तो इडली निकल जाएगी। देखिए ये देखिए दोस्तों, मैंने तीनों इडलियों को अनमोल्ड कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि इडली कितनी अच्छी बनी है, और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है, और ये दिखने में भी बहुत सॉफ्ट बनी है, कोई हार्ड नहीं बनी है। आप जैसे कि देख रहे हैं मैं प्रेस करके भी दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो इसी तरीके से आप भी इडली के बगैर, स्टैंड के बगैर भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इडली की रेसिपी पसंद आई हो, विदाउट स्टैंड मैंने ये इडलियाँ तैयार करी हैं,
और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा।